नमस्कार, मैं अमित दुबे। आज 5 सितंबर जो डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस के मौके पर मनाया जाता है, और इस दिन शिक्षकों के लिए भी काफ़ी बड़ा दिन होता है, जो कि जिंदगी भर से अपने स्टूडेंटों के लिए, अपने छात्रों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज हम ऐसे ही एक शिक्षक से मिलेंगे जिन्होंने अपने जीवन में कुछ इतने महत्वपूर्ण काम किए हैं अपने छात्रों की शिक्षा के लिए, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो सके। वो ऐसे आदिवासी क्षेत्र में हैं जहाँ पे विकास की बुनियादी सुविधाएं तो नहीं हैं, पर फिर भी उन तमाम चुनौतियों को अपने उससे लड़ते हुए उस स्कूल में पहुंचते हैं और वहाँ के छात्रों को एक उत्तम शिक्षा देते हैं। चलिए हम उनसे बात करते हैं, नीरज सक्सेना जी से। तो सक्सेना जी, आप कब से स्कूल में पदस्थ हैं और आपकी शाला का नाम क्या है? मैं 2002 से राष्ट्रीय प्राथमिक शाला सानेगढ़ पदस्थ। मेरा नाम नीरज सक्सेना है, और मैं जब मेरी पोस्टिंग हुई थी तो उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ किस जंगल में आकर फंस गया हूँ, लेकिन धीरे धीरे करके मैंने जब देखा उन लोगों को, परिवार को देखा, बच्चों को देखा, कि यदि मैं यदि उन लोगों को शिक्षित नहीं करूँगा तो शायद यहाँ शिक्षा का माहौल नहीं बन पाएगा। फिर हमने धीरे धीरे करके वहाँ पर शिक्षा का माहौल बनाया और आज एक मॉडल के रूप में देखने लगा है। जैसा कि देखा गया है, आपका जो शाला है, आपकी जो शाला है वहाँ पे विकास की बुनियादी चीज़ों की काफ़ी कमी थी, जो आपके वहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ पर काफ़ी सुधार हुआ है, इसके संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, कमी तो बहुत सारी थी और कमियाँ तो रहती हैं, हर जगह कमी रहती है, लेकिन उन कमियों को दरकिनार करते हुए कुछ अच्छा काम करा जाए तो ऐसा लगता है कि वाकई में कोई काम हो रहा है। और मैं मालूम है कि बहुत सारी कमियाँ ऐसी नहीं हैं, बहुत सारे दुर्गम रास्ते हैं, वह जाने आने की समस्या है, लाइट की समस्या थी, पानी की समस्या थी, लेकिन इन सारी चीज़ों को मैंने लड़ता हुआ लोगों को पहले तो जागरूक करा कि नहीं यार, आप लोगों को अब शिक्षा के प्रति जुड़ना है और जोड़ना है आपको। धीरे धीरे करके माहौल बनाया, लोगों को जोड़ा, उनको उत्साहित करा, उन लोगों को बोला कि आप लोग है ना समाज की मुख्यधारा से आप भी जुड़िए, जैसे हम लोग जुड़े हुए हैं ऐसे आप लोग भी जुड़िए। उन लोगों को लगने लगा कि वाकई में ये सर हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके वो जुड़ने लगे और आज ये स्थिति बन चुकी है। आपकी शाला में छात्रों की संख्या कितनी थी और वो किस किस समुदाय, किस किस क्षेत्र से आते थे, और आपके वहाँ नियुक्त होने से पहले की स्थिति वहाँ पर क्या थी? पहले करीब करीब 25-30 बच्चों के आसपास स्ट्रेंथ थी बच्चों की, और जिसमें आदिवासी जाति के लोग बच्चे रहते थे, जिसमें 2-3 बच्चे नाथ परिवार के भी थे। लेकिन आज ये स्थिति ये है कि आदिवासी बच्चे तो 20-25 हैं, लेकिन इससे और मैंने लो कास्ट जो है भील जाति, उस जाति के करीब 70 बच्चे हमारे स्कूल में और आ गए हैं, जो जंगलों में निवास करते थे, जो कभी पढ़ते नहीं थे, उनके माँ बाप कभी चाहते नहीं थे पढ़ाई करें, लेकिन मैंने एक एक घर जाकर उन लोगों को जागरूक करा। मेरे बच्चों को लेकर जाता था कि देखिए आपके बच्चे भी इस तरह से अंग्रेजी बोलेंगे, इस तरह से हिंदी पढ़ना सीखेंगे, इस तरह से गणित के सवाल जवाब देंगे। उनको फिर लगने लगा कि वाकई में यार ऐसे ऐसी स्थिति है और ऐसे सारा ये काम कर रहे हैं, तो हमने अपने बच्चों को क्यों ना स्कूल पहुँचाएं, क्यों ना इन लोगों को पढ़ाएं, तो वो फिर उन्हें समझ में आने लगा और फिर इस तरह से हमारे आज स्कूल के में बच्चों की जो स्ट्रेंथ है वो 100 के आसपास पहुंच गई है। आपने आपके स्कूल को एक मॉडल स्कूल के रूप में प्रदर्शित किया है, उसको आपने किस तरीके से किया, क्या आपने इसमें अपने निजी पैसे का भी योगदान दिया? देखिए, मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैं क्योंकि इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि पैसा तो मेरा खर्च हुआ है, लेकिन मैंने उसे हमेशा एक दान के रूप में खर्च करा है, बच्चों के रूप में खर्च करा कि जैसे मेरे बच्चे के ऊपर मैं खर्च कर रहा हूँ, ऐसे ही मानकर मैंने इन बच्चों के ऊपर खर्च करा है। और काफ़ी पैसा खर्च हुआ है, करीब मेरा 2.5 से 3 लाख तो मेरा पैसा ही पैसा खर्च हुआ, बाकी जो मेरी मेहनत है वो तो अलग हुई है। बाकी ये सोच कर नहीं करा कि इसका मुझे कुछ परिणाम मिले या कुछ मिले, केवल इसलिए काम करा कि इन बच्चों को मुझे शिक्षित करना है, इस गांव को शिक्षित करना है, इन समाज को शिक्षित करना और इस समुदाय को शिक्षित करना, इसलिए काम करा है। कुछ समय पहले ये देखने में आया हुआ था कि आप जहाँ पे एक दुर्गम रास्ता है, उस दुर्गम रास्ते से बैलगाड़ी के माध्यम से बच्चों के लिए पुस्तकें ले जा रहे थे, तो वो क्या वहाँ पे आवाजाही के मतलब कोई साधन उपलब्ध नहीं है? वहाँ पर ऐसे कोई साधन नहीं है, और ये भी इत्तेफाक रहा कि पहली बार
ऐसे तो हम हमेशा ही लेके जाते हैं, जब से हमारी पोस्ट हुई तब से हम बैलगाड़ी के माध्यम से लेके जाते हैं। लेकिन इतफाक रहा कि एक खमरिया से अविता जी करके हैं, उन्होंने इसको मैंने वीडियो बना लिया और वीडियो फेसबुक पर डाल दिया, वो वायरल हो गया। अन्यथा आप लोगों को ये पता नहीं चलता कि बैलगाड़ी से हर साल ऐसी किताबें हमारी जाती हैं, या इस साल नहीं है, हमेशा ही जाती हैं ऐसी किताबें। हर साल ऐसे हमें लेके जाना पड़ता है किताबें, क्योंकि वहाँ कोई रास्ता नहीं है, आने जाने का कोई मैंने साधन नहीं है, जिसके कारण बैलगाड़ी का एक सहारा है जिसके माध्यम से वहाँ पर किताबें पहुँच पाती हैं। तो प्रशासन ने इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है जिससे कि उन बच्चों के लिए तमाम वो बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो पाएँ, जिससे कि उनके शिक्षा का स्तर और ग्राम की जो समस्याएं हैं, जो स्कूल की और जो बच्चों की समस्याएं हैं, जिससे वो अच्छे से पढ़ लिख कर एक उज्ज्वल भविष्य के साथ साथ एक उज्ज्वल भारत का भी निर्माण कर सकें। तो इसमें प्रशासन ने अभी तक क्या कोई सुविधा या फिर वहाँ पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की? नहीं, अभी तक तो प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हुई। हाँ, गांव वाले और हम लोगों ने जरूर कई बार प्रशासन के पास आके निवेदन करा कि सर हमारे यहाँ रास्ता नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है, पिछले साल ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आया और पलंग पे हम लेते गए उसको, वो ले जाते जब तक वहाँ पर पहुँचा जब तक वो खत्म हो चुका है। ऐसे ही अभी 4-5 दिन पहले की बात है, एक डिलीवरी होना है और उस महिला को पलंग पर लेकर 3 किलोमीटर उसको लेकर गए, वहाँ पर एम्बुलेंस आई और एम्बुलेंस के माध्यम से वो उसको फिर हॉस्पिटल पहुँचाया गया। तो ये ऐसी समस्या वहाँ पर है, प्रशासन से हमें अनुरोध है कि कृपया हमारे माने विद्यालय तक या हमारे गांव में कोई ऐसी व्यवस्था करते हैं जिससे कि हमें भी लगने लगे कि प्रशासन हमारे कुछ हमारे लिए काम कर रहा है। तो कितना समय हो गया है आपको शाला में मतलब बच्चों को अध्ययन कराते हुए? मुझे ये 11-12 साल चल रही है अध्ययन कराते हुए। तो वहाँ की जो वैकल्पिक व्यवस्थाओं के साथ साथ क्या आपको लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ जिससे कि मतलब उस क्षेत्र के जो छात्र हैं, जो आदिवासी क्षेत्र आदिवासी जो छात्र हैं, उनको बुनियादी चीज़ें उपलब्ध हो पाए, इसमें कोई जनसहयोग आपको प्राप्त हुआ? देखिए, जनसहयोग तो तब हुआ और ये मैं बड़ी खुशी से कहूँगा कि जब भी कोई बड़ा अधिकारी वहाँ पर पहुँचता है तो कहीं ना कहीं एक गाँव वालों में और वहाँ के जो कर्मचारी हैं उसमें विश्वास पैदा होता है। कुछ समय पहले की बात है, 2016 में 3 नवंबर को हमारे अभिराज शिक्षा केंद्र के संचालक महोदय श्री लोकेश कुमार जाटव जी, पहले राशन कलेक्टर थे, वो जब आए तो जब आके और उन्होंने देखा स्कूल का माहौल देखा, वातावरण देखा, तो वो बहुत खुश हुए और वो देखकर गांव वालों को ऐसा लगा कि यार हमारा शिक्षक बहुत अच्छा काम कर रहा है, कलेक्टर जैसे आदमी आके और सर की तारीफ कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो उनको फिर विश्वास होने लगा, उस दिन से विश्वास होने लगा कि वाकई में जब कलेक्टर जैसे व्यक्ति मैंने सर पर विश्वास करें अच्छे काम की, तो क्यों ना हम भी उन पर विश्वास करें। तब से वो गाँव वालों में एक जुड़ाव चालू हो गया और तब से वो जुड़ना ऐसे चालू हुए कि आज ऐसा लगता है जैसे गाँव में ये पूरा परिवार हो गया। आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि उन छात्रों से आपका एक विशेष लगाव है, तो इस संबंध में आपने? देखिए, छात्रों से तो मेरा इसलिए विशेष लगाव है क्योंकि वहाँ केवल एक मैं ही एक शिक्षक हूँ वहाँ पर उनको शिक्षा देने की, इसके अलावा और कोई जरिया नहीं है। यदि हम यदि उनको शिक्षा नहीं देंगे तो ये बताइए वहाँ पर शिक्षा मिल पाएगी उन बच्चों को? उन बच्चों को शिक्षा कैसे मिल पाएगी? इसलिए हमने ये सोचा कि क्यों ना इन बच्चों को यदि शिक्षित करना है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत टैलेंट है और यदि हमारा टैलेंट है इन बच्चों तक हम पहुंचा सकें तो ये बच्चे कहीं ना कहीं एक प्राइवेट स्कूल से भी अच्छे बच्चे बन जाएंगे। और आज वो स्थिति बन चुकी है कि आप बच्चों को प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ समकक्ष यदि खड़ा करेंगे तो सालेगर के बच्चे कहीं ना कहीं पहले आम दिखाई देंगे। आपके कार्यों से प्रभावित तो होकर शासन द्वारा आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो किस चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर आपको बनाया गया है और उसकी प्रक्रिया क्या है? ये इस्पात मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है। हम जे बच्चों के हमारे वीडियो बनाते थे, स्कूल के गतिविधियों के एक्टिविटी के वीडियो बनाते थे और ये वीडियो हम फेसबुक पर डाल दिया करते थे। तो एक वीडियो जब हमारा फेसबुक पर हमने डाला तो वो इतना वायरल हुआ कि उसे 100 लोगों ने उसको मैंने शेयर करा, उसमें दिल्ली के भी कुछ लोग थे जिन्होंने शेयर करा था और वो 4.5 मिनट का वीडियो था। 4.5 मिनट तक हम क्वेश्चन पूछ रहे थे, बच्चे उसका जवाब दे रहे थे और ऐसे जवाब दे रहे थे जो हम और आप जैसे भी ना दे पाए, ऐसे वो जवाब दे रहे थे। तो उसको देखकर उनको ऐसा लगा कि वाकई में जमीनी स्तर पर भील और आदिवासी जाति के बच्चे इतना टैलेंटेड यदि दिखाई दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ कोई काम हुआ है और जमीनी स्तर पर हमें जाकर वहाँ देखना चाहिए। तो उनकी टीम आई और टीम आने के बाद उन्होंने सर्वे करा, पूरा सर्वे करने के बाद वो पूरा स्टोरी बना के लेके जाओ, स्टोरी मंत्रालय में जब पास हुई रखी, वो मंत्रालय में पास हुई तो पास होने के बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई हमारे ऊपर और इस तरह से उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया।
हमारे चैनल के माध्यम से क्या आप प्रशासन से और राज्य शासन से कोई अपील करना चाहेंगे जिससे कि आपके क्षेत्र के आपके शाला के छात्रों और उस शाला का विकास हो सके? मैं प्रशासन से केवल एक अनुरोध करूंगा कि हमारे यहाँ सड़क की व्यवस्था नहीं है, सड़क की व्यवस्था हो जाए। और दूसरा, हमारा जो प्राइमरी स्कूल है, मैं चाहता हूँ कि मेरा स्कूल मिडिल स्कूल हो जाए। क्योंकि इसलिए हो जाए क्योंकि मेरे पाँच क्लास के बाद बच्चे फिर 3 किलोमीटर पैदल जाते हैं, और कुछ बच्चे बहुत स्थिति क्योंकि 3 किलोमीटर से जाते हैं, कुछ बच्चे 5 से 7 किलोमीटर दूरी से जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ये स्कूल मिडिल स्कूल हो जाता है तो 8वीं तक का बच्चा अच्छा दिमाग माने डेवलप हो जाता है, वो वहाँ से जब अच्छी शिक्षा लेकर जाएगा तो वो कहीं भी जाकर एक अच्छा इंसान बन सकेगा। क्योंकि जब दूसरे स्कूल में जाता है वहाँ पर एक शिक्षक है, वो बाकी अतिरिक्त शिक्षकों के भरोसे हाई स्कूल चल रहा है, तो वहाँ पर फिर बच्चे वैसे ही हो जाते हैं, हमारी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल यदि मिडिल हो जाता है तो बहुत अच्छी होगी, और हम उस स्कूल के बच्चों को ऐसे जगह पहुँचाएंगे जहाँ पर हर माँ बाप चाहता है कि हमारे बच्चे इस जगह पर पहुँचें। हमारे साथ थे उस प्राइमरी शाला के शिक्षक नीरज जी, जिन्होंने उस स्कूल को काफ़ी ज़्यादा उन्नत और मॉडल बनाने की कोशिश की है, जिससे कि उस क्षेत्र के विकास के साथ साथ वो वहाँ के बच्चों की नींव भी मजबूत हो सके और शिक्षा के क्षेत्र में वो नई नई उपलब्धियाँ हासिल कर सकें। अमित दुबे, द लोक नीति।